क्या ऐसे संजोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं, तो हमें बहुत ध्यान देना होता है। जब भी हम कोई तैयारी शुरू करते हैं तो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, उन्हीं सब बातों पे गौर नहीं करेंगे, तो ऐसे YouTube ऐसे चैनल्स बहुत हैं जो बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है पढ़ा लिखा और ये अध्ययन किया, उसके बारे में देखा, तो हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। आप देखेंगे किन्हीं क्वेश्चन का जब आंसर बताया जाता है, किसी न किसी एक गाइड, किसी न किसी स्रोत का सहारा लेके ही हम उन क्वेश्चन आंसर को हल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन स्रोतों का सहारा नहीं लेते, हम लेते हैं। जब हम उन्हीं स्रोतों का सहारा लेते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं। यदि हम उन स्रोतों का सहारा न लें तो हम ये कर नहीं पाते। दूसरी चीज हमें ये समझना चाहिए कि क्या वाकई में ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए थे, क्या इन क्वेश्चन को हल करने से हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है? इसमें आप शक मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे अगर एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके आए हैं और उन क्वेश्चनों का आप हल करेंगे तो आपको एक तरीका मिलेगा। तरीका ये मिलेगा कि हमें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, किस लाइन में पूछा है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा भी क्या करता है कि अनुमान हमें मिल जाता है। अगर हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें और ये क्वेश्चन नहीं देखें तो क्या हमें कोई आइडिया लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो आइडिया हमें चाहिए और आइडिया के तहत ही हम जो है उसके तहत तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको आइडिया नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं साफ कर सकते, और क्वेश्चन हमें साफ करने की आइडिया चाहिए। और यदि हम क्वेश्चन नहीं साफ करते हैं तो हम आइडिया नहीं बता सकते। आइडिया तभी हमें मिलेगा जब हम क्वेश्चन के समीप जाएंगे, और क्वेश्चन के समीप नहीं जाएंगे तो हमें आइडिया मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी नहीं होता है कि हमें ये जो क्लास आ रहा है, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं उस क्वेश्चन का स्रोत क्या है, वो एथेंटिक है कि नहीं है। क्या वो जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो क्वेश्चन किताब में मिलते भी मिलते हैं आपके आंसर पेपर से, मिलते जुलते कि नहीं मिलते? देखिए, कोई भी बता दे, किसी के बाप माँ बताइए, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी है, आप ये देखिए कि क्वेश्चन जो बताया गया है वो क्वेश्चन हमारे किताब से मिलता है कि नहीं मिलता। यदि वो क्वेश्चन मिलेगा तो 100% गारंटी है कि वो आपको सही पढ़ा। यदि वो आपके पेपर से नहीं मिल रहा है, आपके जो बुक हैं वहां से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मार्केट में बहुत सी ऐसी किताबें हैं कि हमें देखना चाहिए कि बुक मिल रही है, जो बुक मिल रही है उसमें क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो सही रहते हैं, यदि अगर क्वेश्चन नहीं मिलना है तो सही रहते नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि हम तो आपको कंसेप्ट पे आधारित ही प्रश्न बताते हैं। हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हम कंसेप्ट पे को बेस बनाएंगे और बेस बना के एक-एक चैप्टर वाइज के पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जिंदगी में हमें कभी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यही कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कैसे कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, उन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमने आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चन को ला के रखा है जिसे आप जानिए कि लाइव क्लास जो चल रहा है उसका मजा तो कुछ और हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने
स्रोतों को इकट्ठा किया और स्रोत को इकट्ठा करते हुए स्रोत के ही सहारे हम इस YouTube चैनल पे बता रहे हैं। बहरहाल हमारी तो कोचिंग भी चलती है, हम वहाँ पे हल करा दिए हैं क्या क्या है और एक से लेकर 300 प्रश्न का टारगेट हमने रखा था उसको हमने पूरा कर दिया। हम थोड़ी चर्चा सोच रहे थे कि हम थोड़ी चर्चा इसकी जो है यूट्यूब चैनल पे कर ताकि अच्छा रहेगा और यही हमारे अंदर जो है कुछ था इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। और दूसरा चीज ये है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। और हम आपको आगे बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये चैनल है वो केवल ज्योग्राफी के लिए नहीं चलता है, बाकी जो भी आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिक्स है उनके लिए भी हमारा जो है, इकोनॉमिक्स है उनके लिए भी हमारा जो है ये चैनल अवेलेबल है। यानी इन सब विषयों के लिए हमारा चैनल बहुत अग्रसर और बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर ये कार्य करेगा। हमारा टारगेट क्या है, मेन फोकस जो हमारा है वो है जीएस के पॉइंट को कवर करना, यानी जीएस के जितने भी पार्ट हैं उस जीएस के पार्ट को हम कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़े। और दूसरा चीज ये है कि अभी तो आपने क्रिया जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, हमने क्या किया क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। और दूसरा चीज हमारा ये है कि हम कंसेप्ट क्लियर करते हुए वीडियो को डालते जा रहे हैं, क्या डालते जा रहे हैं वीडियो को हम डालते जा रहे हैं। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। ये तो हमने सिर्फ आपके लिए थोड़ा लाइव की चर्चा कर दी, चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा इसमें, ये हमने चर्चा किया है आगे भी हम ये करते रहेंगे। और दूसरा चीज ये दूसरा हमारा ये आता है कि हमें जब भी एग्जाम को क्लियर करना होता है, क्रैक करना होता है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन से गुजरना होता है। अगर हम क्वेश्चन से नहीं गुजरेंगे तो हमारा कुछ हो नहीं सकता है। और इसीलिए हम आपके सामने ये सामान्य बोर्ड महावैराकरण की क्लास लाइव प्रश्न की बात किए थे जो UPPCS वनडे एग्जाम के और SSC और अदर एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और दूसरा आप ये देख सकते हैं, अभी आप देख रहे हैं हम बहुत ज़्यादा तो चर्चा नहीं किए हैं, अभी इसको मोटी मोटा में चर्चा की है। अभी हमने हाल में ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया भी है और उसी पर हम चलने जा रहे हैं। हमारा मेन फोकस है GS के हर एक वीक पॉइंट को कवर करना। आप इतना विश्वास मानिए कि GS का जो भी वीक पॉइंट है वो हमें मालूम है और उसी वीक पॉइंट पे हम अपना कार्य करते हुए लगातार कार्य करते रहेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमारा एक चैनल है जिस चैनल पे हम आए हैं उस चैनल पे लगातार हम काम कर रहे हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तैयारी में जो है कुछ न कुछ तैयारी जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो ज्ञान आप दे रहे हैं उस ज्ञान का व्यवहार ज्ञान में बताना है। यानी ज्ञान को आप दीजिए लेकिन वो ज्ञान आपका व्यवहारिक होना चाहिए। अगर वो ज्ञान व्यवहारिक होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, अगर वो ज्ञान व्यवहारिक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने अपने ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए चैनल को लॉन्च किया है। ये चैनल हमारे उन गरीब छात्रों के लिए महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है जिनके अंदर लालसा है, जिनको ये पता है कि हम ये कर सकते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और ये किसी भी क्वेश्चन के लिए ये हमारा चैनल जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए तैयार है। इसी चैनल पे हम मिलते रहेंगे। आप अपना विश्वास रखिए कि GS का जितना भी वीक पॉइंट है उसको कवर करने के लिए हम हर तक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जहाँ तक लक्ष्य है वो हमारा ये लक्ष्य है कि जो कमीशन के द्वारा प्रमाण दिया गया है, जो कमीशन मानता है उसी को ही हमें फॉलो करना है। कमीशन जो मानता है उसके ज्ञान को हमें व्यवहार में लाना है। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर आप
व्यवहारिक ज्ञान में आएंगे, व्यवहारिक ज्ञान में अपने आप को बदलेंगे तभी ज्ञान का मजा मिलेगा, और व्यवहारिक ज्ञान नहीं देंगे तो कोई मजा मिलने वाला नहीं है। दूसरा चीज ये है, इन सभी बातों को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों पे बहुत अच्छी तरह से जो है कवर करना चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसे ही एक देखो होता क्या है, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से सर हैं, लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारा तो ये कहीं मन है कि आप किसी एथेंटिक चीज़ को पकड़िए, एथेंटिक प्रोफेसर की किताब पकड़िए, उसी को पढ़िए, और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, उसको हम बताएं। क्योंकि हम देखो जो प्रोफेसर की किताब होती है उसी प्रोफेसर की किताब से पढ़ रहे हैं, और उसी प्रोफेसर के स्रोत से क्वेश्चन का लाइव हल कराते जा रहे हैं। आज हम मोटी मोटा में सिर्फ चर्चा करेंगे कैसे ये क्वेश्चन आता है, कहाँ से ये क्वेश्चन कैसे बदल जाता है, किस बेस पर पूछा जाता है, किस बेस पर नहीं पूछा जाता है, ये हमारा एक टारगेट है। तो इस टारगेट को हम पूरा करने के लिए हम आज इस यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं। तो शुरुआत हम जो किए हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए कि समस्या ये नहीं है कि हम कैसे पढ़े, समस्या ये होता है कि हम इसको कैसे समझें। समस्या ये होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे समझें। अगर हम इसको समझेंगे तभी कुछ आएगा, और नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी और आइए हम तैयार हो जाते हैं आपके सामान्य क्लास प्रश्नोत्तरी जो यूपीसीएस वर्ल्ड एग्जाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने देखा ये जो आपके होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये सब हम देख रहे हैं। तो दूसरा चीज़ ये होता है कि अभी आपने देखा कि हम किस किस तरीके से ये एग्जाम फाइट कर सकते हैं। यदि हम ये सबका आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं सामान्य भूगोल महाभारत की क्लास। कंपटीशन के दृष्टिकोण से आज हम भारत के भूगोल के महामैराथन की क्लास देखेंगे, और 1 से लेकर 300 प्रश्नों का हल करेंगे। टारगेट हमारा है 1 से लेकर 300 प्रश्नों को हल करना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत आकार में किस स्थान पे आता है। तो क्वेश्चन हमारा ये आता है भारत आकार में विश्व का कौन सा देश है, सातवां देश है, विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है। तो भारत में क्षेत्रफल 2.4 है जो विश्व का है, यानी विश्व का क्षेत्रफल भारत में कितना पाया जाता है, 2.4%। इसके बाद हम बात करते हैं कि बताइए जो भारत की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में कितनी है। तो हम ये बताते हैं कि 8° 4′ 37′ 6′ उत्तरी अक्षांश तक है। इसके बाद हम पूर्व से लेकर पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, तो भारत के आकार की स्थिति 68′ 7′ से लेकर 97′ 25′ तक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं कि बताइए
कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभक्त करती है? तो वो रेखा हमारी है कर्क रेखा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्य से होकर जाती है? तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, ये बताइए कि कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप है, कौन सा शहर कर्क रेखा से बहुत दूर है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत से क्या गुजरात राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इन जैसे राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम देखें कि भारत का जो मानक समय है वो भारत का मानक समय कितना है। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.1/2 अंश है, यानी भारत का मानक समय 82.1/2 है। यही भारत की। अब ये रेखा किस जिले से, यानी किस राज्य के किस जिले से होकर गुजर के जाती है? तो क्वेश्चन ये बनता है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी से गुजर के जाती है, यानी कौन सी रेखा, वो है मानक समय रेखा 82.1/2 अंश। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अगला, कि बताइए कि भारत का मानक समय किसके समीप से लिया गया है? तो मानक समय किसके समीप से लिया गया है? भारत का ये मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बताइए जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का उसका नाम क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु क्या आता है उसका नाम हम जानते हैं, इंदिरा पॉइंट होता है। फिर इसके बाद हम आगे की बात करें तो पूछता ये है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा होता है? तो हम बताते हैं 68 अंश पूर्व देशांतर रेखा। इसके बाद हम सीमावर्ती देश की बात करें, कौन से देश हैं जो भारत से लगे हुए हैं, कौन से देश हैं जो भारत के समुद्र से लगे हुए हैं? तो हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से लगने वाले 8 राज्य हैं, वो कौन कौन सा है? तो आप जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इसके बाद अन्य और भी हैं जो सीमावर्ती देश हैं। इसके बाद आगे की हम बात करें भारत की, अब जो म्यांमार देश है, ये म्यांमार देश की कौन सी पहाड़ी भारत को अलग करती है? तो वो होती है याकायोमा। ये जो पहाड़ी है ये भारत को म्यांमार से अलग करती है। इसके बाद हम बात करें कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो होता है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। यानी ये जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद हम आगे बात करें भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं? अगर हम इसकी बात करें तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं? भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। अब 4 भौतिक प्रदेश हैं तो कौन कौन सा आएगा? पहला प्रायद्वीप पठार, दूसरा विशालगंगा का मैदान, तीसरा तट, द्वीप और समुद्र, चौथा हमारा आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। यानी इस तरीके से हमने देखा ये भारत के भौतिक प्रदेशों का
विभाजन किया गया है। इसके बाद हम बात करें कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा भाग है जहां पे पाताल को कुएं पाए जाते हैं। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा भाग है जहां पे पाताल को कुएं पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं उत्तराखंड का तराई इलाका है और इस तराई इलाके में पाताल को कुएं पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि देखिए जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत है, इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो यही बनता है कि बताइए सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। प्राचीनतम श्रेणी यानी उत्तर पर्वतीय प्रदेश के प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो होती है हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके बाद आगे हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि शिवालिक पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो शिवालिक हिमालय का जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। अब आगे हम बात करते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो होती है वो शिवालिक है। यानी अगर वो कहेगा कि बताइए कौन सी नवीन पर्वत श्रेणी है, तो हम नवीन पर्वत श्रेणी की बात करें तो हमारा कौन सा आता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि भारत में गर्मी ठंडी बरसात इसके बाद ये सब क्या पर्वतीय इलाकों से होते हैं, तो किस तरीके से शिवालिक और अरावली इसमें अपने योगदान देती है। इसके बाद अगला हम बात करते हैं कि जो हिमालय पर्वत है, जो शिवालिक है, जो अरावली है, ये वर्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी लाभदायक है। इसके बाद हम अगला बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश में कि बताइए जो अक्साई झील का भाग है वो किसमें स्थित है, यानी भारत के किस पठार में अक्साई झील का भाग स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो अक्साई झील है, इस अक्साई झील का भाग भारत के किस पठार में स्थित है। तो भारत के लद्दाख पठार में स्थित है। यानी जो अक्साई चीन है उसका भाग कहाँ स्थित है, वो जो है अक्साई चीन में स्थित है। इसके बाद अगर हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हमने कहा कि नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। लेकिन अगर प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की बात करेगा तो कौन सी पर्वत श्रेणी है, वो पर्वत श्रेणी है कौन सी पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। यानी ये अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी कौन सी श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद हम अगला बात करें कि बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी धोला बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धोला बेटा है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हमारी अन्ना मुड़ी है। इसके बाद अगला ये पूछता है कि बताइए नीलगिरी किन किन राज्यों में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी को आप जानते हैं ये तीन राज्यों की से सटी हुई है। वो तीन राज्य कौन कौन से हैं, वो तीन राज्य हैं एक आपका केरल कर्नाटक तमिलनाडु। यानी केरल कर्नाटक तमिलनाडु यही तीन राज्य हैं जिनसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी अपना सीमा
साझा करती है। इसके बाद हम बात करें कि बताइए महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वत श्रेणी की। पर्वत श्रेणी जो माउंट एवरेस्ट है, वो माउंट एवरेस्ट कहां पे स्थित है? सबसे बड़ा क्वेश्चन वो आपकी यूपीपीसीएस वाटे या एसएससी अदर एग्जाम के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट किस राज्य में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल राज्य में स्थित है और यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। तो पूछा यह जाता है कि यह विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है, यानी 8848 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे सफल कौन थी, यानी सबसे सफल कौन थी? वो महिला ही थी और उस महिला का नाम क्या है? बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा यह आता है कि भारत की सर्वोच्च यानी विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी के बारे में बात करेगा तो वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी पर्वत श्रेणी है? माउंट एवरेस्ट श्रेणी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 गाड़ी आस्टी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ये बताइए कि जो नंदा देवी घाटी है, वो नंदा देवी घाटी किस हिमालय के बीच स्थित है? नंदा देवी किस हिमालय का पार्ट है? पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताइए कि जो नंदा देवी घाटी है वो किस पर्वत का भाग है, तो गढ़वाल हिमालय का भाग ही कौन है? नंदा देवी है। नंदा देवी किसका भाग है? नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है। इसके बाद हमसे दर्रों के बारे में पूछता है, हमसे घाटियों के बारे में पूछता है कि बताइए ये कहां से कहां तक स्थित है। इसके बाद आगे हमसे जो क्वेश्चन करने वाला है वो आपके हैं मानसून से ये पूछता है कि बताइए किस राज्य में पहले मानसून आता है और किस राज्य में देर से मानसून आता है। अगर हम अगले पॉइंट मानसून की तरफ जाएंगे, अगला पॉइंट हमारा होगा नदी के बारे में आएंगे, अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा वो तट और द्वीप के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि बताइए कि जो मानसून है ये भारत में इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे पहले बनता कहाँ पे है, तो ये किस कंडीशन में भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। अगर वो कंडीशन नहीं आए तो क्या भारतीय मानसून बन सकता है? ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम देख ये रहे हैं कि यदि भारतीय मानसून बन रहा है तो उसके लिए एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है, वो है ठंडी और गर्म जल धाराओं का मिलना। जब यही ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलेंगी तभी हम मानसून की उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं। अब ये ठंडी और गर्म जल धाराएं जब मिलती हैं तभी मानसून की उत्पत्ति होगी। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये हमारे तापमान पर डिपेंड करता है। इसी क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन आगे हम जान जाते हैं कि ये बताइए कि जो अपवाह तंत्र है, पहले हम अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, पहले हम अपवाह तंत्र
के द्वारा, नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होती है और किस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा नहीं हुआ है। अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र क्या है, तो सबसे पहले यही बताता है कि बताइए जांगपो नदी को हम किस नाम से जानते हैं। पहला प्रश्न ये पूछता है कि बताइए जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न ये बनता है, तो उत्तर हमारा ये आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को हम जांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को हम किसके नाम से जानते हैं, जांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि विश्व में जो मानसरोवर झील है, तिब्बत में मानसरोवर झील किस नदी के समीप स्थित है, तो मानसरोवर झील किन किन नदियों के समीप स्थित है, तो वो आपकी प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कौन कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, वो जानी जाती है सांगियो के नाम से, सांगपो के नाम से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सांगपो के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी सहायक नदी है जो ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है, तो सहायक नदी कौन कौन सी है, एक आपकी दीवान, एक कामेंग, एक लोहित, ये जो तीनों नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की नदियों के बारे में चर्चा कर ली, तो पूछा जाता है कि बताइए दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन आता है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो इसके बाद ये बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आप जानते हैं नर्मदा नदी, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली वो नदी है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी क्या करती है, ये पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि बताइए अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो है ताप्ती और नर्मदा नदी। ये दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद और भी नदियां हैं जैसे आपकी पेरियार नदी है, तो हम मुख्यतः ये आपको नर्मदा और ताप्ती के बारे में बता रहे हैं। यही दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो पूछा ये जाता है कि भैया ये नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये नदी भ्रंश और दरार से गुजरती है। ये नदी क्या करती है, भ्रंश और दरार से गुजरती है। जब ये नदियां भ्रंश और दरार से गुजरती है तो अपने साथ अवसाद ले जाती है कहां, अरब सागर में, और वहीं पे ही इसको क्या करती है, निक्षेपित कर देती है। तो इस तरीके से वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकती है। तो यही दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसके बाद हमसे बात ये पूछा जाता है कि बताइए भारत की कौन कौन सी नदियां या कौन सी नदी जो
निर्माण करती है। इसके बाद अगला जो पूछा जाता है वो यही है कि बताइए सोन, महानदी, नर्मदा ये किस पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? यानी सोन, महानदी और नर्मदा का उद्गम स्थल का नाम बताइए। तो हम कहते हैं ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जो अमरकंटक का पठार होता है उस अमरकंटक के पठार से ये तीनों नदियां निकलती हैं। वो कौन कौन सी हैं तीनों नदियां? नर्मदा, सोन, महानदी। यही तीनों नदियां क्या करती हैं? अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बनता है कि बताइए कि कौन सी ऐसी नदी है जो सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता रखती है? वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। यानी यही गोदावरी नदी सर्वाधिक जल भंडारण की क्षमता रखती है। इसके बाद अगला जो हमारा ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपी की भारत की सबसे लंबी है? यानी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। तो क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हम वन डे एसएससी यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं कि बताइए प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और वो सबसे ज्यादा जल विकीर्ण करती है तो उसका नाम क्या है? तो उत्तर मिलता है गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है बाबू? गोदावरी नदी है। और यही गोदावरी नदी जल भंडारण की अधिकतम क्षमता रखती है। इसके बाद आगे हम देख रहे हैं कि बताइए नदियों के किनारे स्थित जो शहर है उनका नाम बताइए। क्या वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा इलाहाबाद है, कानपुर है, पटना है, तो ये सब क्या है? ये नदियों के किनारे स्थित शहर है। यानी जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे आप देखेंगे तो इलाहाबाद भी है, गंगा नदी के किनारे आपका वाराणसी भी है, और गंगा नदी के किनारे ही आपका क्या है? पटना है। यानी इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कानपुर ये जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो लेह स्थित है वो लेह कहाँ पर स्थित है? तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का दायां तट, यानी सिंधु नदी का जो दायां तट है वहीं पर कौन सा पठार स्थित है? लेह का लेह स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? लेह स्थित है। यानी सिंधु नदी का जो दायां तट है उसी दायां तट पे कौन सा जिला स्थित है? लेह जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? लेह जिला स्थित है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए प्रपात और झील, जैसे पूछ लेता है कि हुंडू प्रपात निर्मित है, हुंडू प्रपात किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा हुंडू प्रपात है वो हुंडू प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडू प्रपात जो हमारा स्थित है वो है सुवर्ण रेखा नदी पर। यानी जो सुवर्ण रेखा है उसी सुवर्ण रेखा पे हुंडू प्रपात स्थित है। कौन सा प्रपात स्थित है बाबू? हुंडू प्रपात स्थित है। इसके बाद आगे पूछता है कि बताइए जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडू प्रपात की अगर बात किए तो किस नदी पे स्थित है भैया? वो जो है आपका हुंडू प्रपात जो है किस नदी पे स्थित है? वो जो है सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि
किस नदी पर स्थित है? सरावती नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वो नियाग्रा जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यही पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, तो हम बता देना चाहते हैं नियाग्रा जलप्रपात को चित्रकूट प्रपात के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भेड़ाघाट में पूछा जाता है कि भेड़ाघाट में बताइए कौन सा जलप्रपात है, तो भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है, यानी ये मध्य प्रदेश का इलाका है, यानी मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट पड़ता है और भेड़ाघाट में ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि बताइए कुंजिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो कुंजिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है 337 मीटर बनती है। इसके बाद पूछता है कि यूपीपीसीएस वनडे एग्जाम एसएससी अदर एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है कि कुंजिकल जो बेमनाल झील है वो बताइए किस राज्य में स्थित है, तो बेमनाल झील जो है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि बताइए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील जो है वो आपका उड़ीसा यानी उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, यानी आप उत्तरी सरकार तट को देखेंगे तो उड़ीसा का महानदी के मुहाने पर चिल्का झील स्थित है। यानी आप बता सकते हैं कि जो चिल्का झील है वो उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद हम देखें तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो मानसून आता है। हमें समझना ये है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई या मानसून सब आया कहां से। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है भैया, यही क्वेश्चन बार बार बनता है कि बताइए मानसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। पहले ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये जो क्वेश्चन एमपीपीसीएस से पूछा गया था कि मानसून की उत्पत्ति कहां से हुई है, मानसून की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो हम आपसे बता देना चाहते हैं जो अरबी भाषा का मौसिम शब्द है, अरबी भाषा का मौसिम शब्द है और उसी मौसम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी अरबी भाषा के मौसिम शब्द से मानसून की उत्पत्ति होती है। और इस मौसिम का क्या तात्पर्य है? मौसिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसिम का शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। इसके बाद अगला जो बनता है कि बताइए कि मानसून किस किस शर्तों पर निर्भर करता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं एक आपका होता है ITCJ उष्णकटिबंधी और सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, तापमान और दाब, यानी इन शर्तों पे मानसून डिपेंड करता है। अगर तापमान नहीं बढ़ रहा है, तापमान नहीं बढ़ रहा है तो मानसून जो है देर से आएगा। मानसून ताप और दाब पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि हवाएं हमेशा निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर चलती है, नहीं, हवाएं जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है हमेशा। अब ये
प्रश्न बन गया कि बताइए उच्च वायदा कब होता है और निम्न वायदा कब होता है। तो जब उच्च वायदा होता है तो क्या कंडीशन होती है और जब निम्न वायदा होता है तो कैसे कंडीशन, कैसे उच्च वायदा बनता है और कैसे निम्न वायदा बनता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं निम्न वायदा यानी जब तापमान ज्यादा हो, तापमान ज्यादा होता है, जब तापमान ज्यादा होता है तो हवाएं क्या होती है, हल्की होती है। तापमान ज्यादा हो तो हवाएं हल्की होती हैं और हल्की होने के कारण ये क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है। तो उस समय क्या होता है, वायदा कम होता है। जैसे बात हमने ये कहा कि तापमान ज्यादा, तापमान क्या हो, तापमान ज्यादा हो तो हवाएं गर्म होंगी। हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी। जब हवाएं गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो हवाएं जब गर्म होंगी ऊपर की ओर उठेंगी और जहां तक उनको दाब नहीं मिलेगा वहां तक क्या हवाएं चलती जाएंगी। जब दाब कम मिल रहा है तो हवाएं जो ऊपर की ओर उठती जा रही है, इसलिए हम कहते हैं निम्न वायदा। क्या कहते हैं, निम्न वायदा। और उच्च वायदा की बात करें तो उच्च वायदा में क्या होता है कि हवाएं तापमान कम होता है, जब तापमान कम होता है हवाएं भारी हो जाती है। हवाएं क्या होती हैं, भारी हो जाती हैं और भारी होकर बैठने लगती है। क्या करती हैं हवाएं, भारी होकर बैठने लगती हैं। जब हवाएं भारी होकर बैठने लगती है तो हम कहते हैं उच्च वायदाब है। ये उच्च वायदाब निम्न वायदाब का कंडीशन आपको तब क्लियर होगा जब ठंडी हो, गर्मी का सीजन हो। ठंडी के समय आप देखेंगे कि हवाएं क्या होती हैं, वो एकदम गर्म होती हैं। हवाएं गर्म होती हैं, जब हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती हैं। तो उन हवाओं का स्थान एक ठंडी जलधारा ग्रहण कर लेती है जो सागर से होकर आती है और यही अपने साथ आर्द्रता वहां पे छोड़ देती है। तो हम कहते हैं कि भाई बहुत गर्मी पड़ रही थी लेकिन अब बरसात हो रही है। क्या हो रही है, बरसात हो रही है। इसके बाद अब एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहले यह आता है कि बताइए कि मानसून का आगमन किस महीने से होता है। पहला ये बताता है कि बताइए मानसून का आगमन किस महीने से होता है। तो हम कहते हैं जून के महीने से, यानी जो मानसून है इस मानसून का आगमन जून के महीने से होता है। इसके बाद अगला हम एक देखें तो ये पूछता है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं, यानी सामान्य महीना कौन सा है जो तमिलनाडु के लिए उपयुक्त साबित होता है। उस सामान्य महीने का नाम बताना है कि सामान्य महीना वो कौन सा है जो तमिलनाडु के लिए उपयुक्त माना जाता है, वो नवंबर और दिसंबर है। अब इसके बाद हम देखें कि वर्षा क्या है, वर्षा कब से स्टार्ट होती है। मानसून का तो आगमन हो गया, इसके बाद हम वर्षा की बात कर रहे हैं। अब वर्षा में हम ये देखेंगे ऋतुवत वर्षाएं होती है, जैसे देख लें शीतकालीन वर्षा। क्या देख लें, शीतकालीन वर्षा, यानी ठंडियों में वर्षा होती है, ठंडियों में वर्षा होती है लेकिन वो वर्षा किस विक्षोभों के द्वारा होती है। ठंडियों में वर्षा होती है लेकिन वो वर्षा किन विक्षोभों के द्वारा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। अब इसके बाद हम देखें भारत में
सरल काल यानी सरल काल के दौरान सर्वाधिक किस क्षेत्र में बरसात होती है? तो शरद के समय सर्वाधिक जो बरसात होती है वो क्षेत्र आपके हैं पंजाब और तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य हैं? एक पंजाब और दूसरा तमिलनाडु, यानी यही दो ऐसे इलाके हैं जहां पे शरद के समय सर्वाधिक बारिश होती है। क्या होती है? सर्वाधिक बारिश होती है। इसके बाद हम अगला पॉइंट जो बात कर रहे हैं, देखिए हमने जो मोटी मोटा जो है एग्जाम के बारे में बातचीत कर लिया और कुछ नहीं है इसमें, जो कि हम ये प्रैक्टिस की बातें कर रहे हैं। फिर आगे हम देखें प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, कि प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, हमें ये जानना जरूरी है। तो प्राकृतिक आपदाएं दो कंडीशनों से उत्पन्न होती हैं, एक आपका अंतर्जात, एक बहिर्जात। अब ये अंतर्जात बल और बहिर्जात बल जब कार्य करेगा तभी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अगर ये अंतर्जात और बहिर्जात बल कार्य न करे तो ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती हैं। इसके बाद हमारा ये पूछता है कि बताइए हुदहुद चक्रवात जो है वो किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया था, जो हुदहुद चक्रवात आया था वो किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया था? उसने सर्वाधिक प्रभावित किया था आंध्र प्रदेश के तटीय भाग। हुदहुद चक्रवात आया था और उसने सर्वाधिक प्रभावित किस राज्य को किया था? आंध्र प्रदेश के तटीय राज्य। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यही कि मौसम विज्ञान विभाग यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग स्थित कहाँ है? वो आपका आता है नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। फिर ये तो आपने देख लिया भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे सवाल कहाँ पे स्थित है वो आपका आता है नई दिल्ली। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक किस राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं वाला क्षेत्र है उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य है ऐसा जहां पे प्राकृतिक आपदाएं हमेशा लगातार आती रहती है। इसके बाद आगे जो किया गया है वो एक महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि भारत के कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों को विभाजित किया गया है? वो चार होते हैं क्योंकि आयोग ने इन्हीं को माना है। अब अगला हम जो बात करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही कि देखिए कि जो हमारा आता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के बनने की प्रक्रिया क्या है, मिट्टी के बनने में सहयोग कौन कौन से तत्व करते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे एग्जाम में मिट्टी से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आ रहे हैं कि भाई देखो मिट्टी से क्वेश्चन तो आता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि मिट्टी के बनने में कौन अपनी भूमिका अदा करता है? मिट्टी के बनने में भूमिका अदा करने वाला ताप, दाब, वर्षा। हमने क्या बात किया? ताप, दाब, वर्षा, यानी यही तत्व हैं जो मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब आता यह है कि हमारे यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी भी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, लवणी मिट्टी है और क्षारीय मिट्टी है, पीट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। ये सारी जो मिट्टियां हैं ये भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इस 8 प्रकार के मिट्टियों का वर्गीकरण जो किसने किया था, वाल्केयर महोदय ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? वाल्केयर महोदय। तो वाल्केयर महोदय ने 8 वर्गों में भारतीय मिट्टियों को विभाजित किया था। कितने वर्गों में विभाजित किया था? 8 वर्गों में विभाजित किया था। इसके बाद अब ये आता है
कि बताइए कि जो जलोढ़ मृदा है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है वो कहां से लेकर कहां तक है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जलोढ़ मृदा का विस्तार वो विशाल गंगा के मैदान में है। विशाल गंगा का मैदानी जो क्षेत्र है वहां पे जलोढ़ मृदा यानी उत्तरी भारत में जलोढ़ मृदा का भरपूर तरीके से विस्तार हुआ है। इसके बाद ये जलोढ़ मृदा खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये जलोढ़ मृदा खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब ये अधिक उपयुक्त क्यों है? क्योंकि इनमें अवसाद लाया गया। जलोढ़ मृदा में नदियों के द्वारा अवसाद लाया गया और ये अवसाद वहीं पे निक्षेपित कर दिया गया है जो कृषि के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब पूछते ये है, ये सामान्य सी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो अवसाद है अवसाद में क्या क्या आता है। अवसाद में हम आपको बता देना चाहते हैं जो पेड़ पौधे मानव कंकाल है इनके तंत्र आते हैं और इन्हीं से ही अवसाद का निर्माण होता है। और यही अवसाद जिस खेत में चले जाएंगे भैया उस खेत की उपजाऊ मिट्टी बहुत तेज हो जाएगी। इसके बाद अब अगला हमारा ये आता है काली मिट्टी। अब ये काली मिट्टी जो पाई जाती है वो बहुल वाले क्षेत्र है प्रायोरिटी पठार महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में। महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में इसका विस्तार काली मिट्टी का विस्तार हुआ है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो काली मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे हुआ है काली मिट्टी, काली मिट्टी क्यों कहते हैं, क्या है विशेषता काली मिट्टी की। तो एक ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया के निक्षेप के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। और यही ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती शायद काली मिट्टी का निर्माण नहीं होता। एक और विशेषता है काली मिट्टी की कि जब काली मिट्टी गीली हो जाती है तो चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी जब गीली हो जाती है तो ये चिपचिपी मालूम देती है और जैसे काली मिट्टी सूख जाती है उसमें दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। और ये काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन तो ये बनता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही होता है कि रेगुर मिट्टी रेगुर किसी मिट्टी को कहते हैं यानी रेगुर जो है किस मिट्टी को नाम देते हैं। रेगुर जो है वो काली मिट्टी को बता देती है कि जो काली मिट्टी है उसी को हम रेगुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेगुर नाम से जानते हैं।